अभी यहाँ पढ़ रहा था और कौन सा कोर्स यहाँ कर रहा था? GNM 3 साल का कोर्स होता है, 80,000 रुपये फीस पर कोर्स था। तो यही करके कर हमने एडमिशन इस सब से लिया कि अब ये सब चलेगा और विद्यालय चलेगा। लेकिन आज 3-4 महीने से यही रूमर हो रहा है। उसके बाद GNM की परीक्षा जो हुई, GNM की कॉपी जमा नहीं हुई या क्या है, इसमें जानकारी है। ANM की जो परीक्षा हुई उसका रिजल्ट जब आया तो बच्चों ने उसका सत्यापन के लिए इधर उधर दौड़े। पहले तो बच्चे गए थे CMO ऑफिस, वो यहाँ आए थे, कहे काले फंस गया और बंद कर दिया जाएगा। फिर CMO साहब ने राय दिया कि आप लोग DM यहाँ चले जाए। फिर बच्चे फिर गए थे, फिर इसके पहले अभी मंडे को बच्चे वहाँ गए थे अपनी मार्कशीट लेकर के, और बच्चों ने उनसे मांग की कि 1 सप्ताह के अंदर सर हम समय दे करके इसका सत्यापन करा दिया जाए। मतलब आने से तो पता चला कि पढ़ाई हो रहा है, लेकिन कुछ महीने 2 महीने बाद पता चला, 15 दिन से मुझे पता चला कि मतलब पढ़ाई तो नाम निशान नहीं है, पढ़ाई बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। फिर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन ऐसा माहौल हो जा रहा है कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कभी हो रहा है सही है, कभी हो रहा है गलत है। संतावना दे दे के हम लोग को, मतलब क्या बताएं सर, क्या बताइए। ये कब आप लोगों को पता चला कि ये फर्जी मेडिकल फॉर्म? मेरे पापा को तो 3 महीने पहले एडमिशन कराया, उसके 10 दिनों बाद उनको पता चला कि फर्जी कॉलेज से है। तो पापा कहे कि नहीं, सर से बोले तो कहे सब सही हो जाएगा, दीदी जी सब सही हो जाएगा। और पापा मतलब मोटिवेट कर रहे हैं सबको अपनी मीटिंग की बातों से। लगभग कितना शुल्क आप लोगों से लिया गया इस कोर्स से? 20 से 40 से 150 है। हमारा साल बर्बाद हुआ। फिर पैसे की तो बात नहीं, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हमारा करियर बर्बाद हो रहा है, हमारा साल बर्बाद हो गया। साल तो कोई नहीं लौटा सकता, हमारा साल बर्बाद हुआ। 1 साल बताइए इंटर के बाद करके आए। कहाँ से, किस जिले से आप आई? जी मैं बिहार से आई। रहा था कि फर्जी है, फर्जी। हम लोगों ने जांच किया, बोले हम लोग पूछे कि हम लोग का कॉलेज कहाँ से अफेक्टेड है, तो बताया गया कि हम लोग श्री कॉलेज से अफेक्टेड है। तो हम लोगों ने श्री कॉलेज पे पता लगाया तो वहाँ पे बताया गया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग पूछे कि सर वहाँ पे सबको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर बोले भोपाल से है। फिर हम भोपाल में हम लोग पूछे तो वहाँ पे बोले कि ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, हम लोग बस चर्चाएँ चल रही हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं अभी हम लोग का। तो डीएमएलटी था फर्स्ट ईयर हम लोगों का पूरा हो चुका है। सेकंड ईयर में हम लोग जब एडमिशन करवाने आए तो फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर का जब हमको सर्टिफिकेट दिया गया, तो सर्टिफिकेट जब हमको दिया गया तो इसकी पुष्टि के लिए हम गए CMO ऑफिस। जब गए तो वहाँ CMO सर नहीं मिले। फिर वहाँ कोई कैंडिडेट थे तो वो बताएं कि बापू ये तो मार्कशीट आपकी तो फर्जी लग रही है। तो फिर इसके बाद हम लोग जो है लखनऊ गए स्टेट मेकअप फैकल्टी पर, वहाँ जब गए तो वहाँ साफ साफ कह दिए कि आपकी ये मार्कशीट जो है फर्जी है। तो फिर इसके बाद मार्कशीट फर्जी है। फिर हम आके यहाँ इंक्वायरी करने लगे कि सर हम लोगों का ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये कह रहा है कि आप लोगों का जो मार्कशीट दिया गया था वो 3 पैरामेडिकल से दिया गया था, जो आप दोनों का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आ जाएगा तब आपका स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। तो फिर वहाँ पे स्टेट वहाँ क्या बोलते हैं श्री पैरामेडिकल में हम लोग गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ कुछ नहीं है। फिर बोले भोपाल से, भोपाल भी कुछ नहीं है। तो आप लोगों को कब ये पता चला कि ये जो कॉलेज है मेडिकल कॉलेज ये टोटल फर्जी है? सर 2 महीने पहले।